कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कोई साथी वकील भूखा न रहे, इसके लिए सहारा एसोसिएशन सामने आया है। एसोसिएशन की तरफ से जरूरतमंद वकीलों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। सहारा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वीके सिंह ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कई वकीलों को मदद की जरूरत है। इसके मद्देनजर सहारा बार एसोसिएशन जरूरतमंद वकीलों के घरों तक राशन का पैकेट पहुंचा रहा है। राशन पैकेट में आटा, चावल, दाल सहित सभी जरूरी सामान है। और कई एडवोकेट्स को जरूरत है, तो हम बिहाफ ऑफ शादा बार एसोसिएशन डोर टू डोर सभी एडवोकेट जो जरूरतमंद हैं, जिनके मैसेज आए हैं, जिनके जिनको जरूरत है, हम घर घर उनके अपना होम डिलीवरी कर रहे हैं सर। उस पैकेट में कंटेनर 1 महीने तक का राशन है, जिसमें 10 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ, घी, तेल, सब कुछ एवरीथिंग, जो 1 महीने तक बंदा अपना जो एडवोकेट कोई फैमिली आराम से खा सकती है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि अब तक 250 से ज्यादा जरूरतमंद वकीलों के घरों तक 1 महीने का राशन पहुंचाया जा चुका है। पदाधिकारियों ने कहा कि वकीलों की मदद के लिए सहारा बार एसोसिएशन की तरफ से 3 टीम बनाई गई है, जो वकीलों से बातचीत कर उनकी जरूरत पूछ रही है, ताकि उन तक मदद देखिए, हम पहुंचाई लोगों जा ने सके। सोचा कि आज लॉकडाउन है, हमारे बहुत सारे एडवोकेट नीडी हैं, जो बेचारे 100 रुपये भी घर अपने ले नहीं ले जा पाते, तो उनको राशन, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी राशन है, बाहर का खर्चा तो कोई है नहीं। और पहले हमने सोचा कि हम यहीं बुला के उनको दे, लेकिन कानून का उल्लंघन होता, यहाँ भीड़ होती, हम घर घर जाकर सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उनको घर पे प्रोवाइड करा रहे हैं। रणनीति ये हमारी ये है कि जो भी हमारे वकील भाई, अगर जो भी नीडी है, जो जिनको ये जरूरत होती है किसी बेसिक नेसेसिटीज की, तो हम उसको प्रोवाइड करे जाएं। और हमने इसमें अपने एग्जीक्यूटिव की 3 टीमें बनाई हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके विद द परमिशन ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, हम जाके कानून का पालन करते हुए लोगों की भीड़ यहाँ कोर्ट में इकट्ठी ना हो, इसलिए डोर टू डोर जाने का फैसला किया। अभी लगभग हम 250-300 बांट चुके हैं। और अभी और कितने बांटेंगे आप? अभी 100-200 डिमांड आ डिमांड आ रही जितनी है, हम डिमांड उस आती है हिसाब से जो हमारे बाहर के मेंबर जो एक्चुअल में नीडियम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं।